मथुरादास कॉलोनी का रहवासी हूँ, काली नाम कांडा 19। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य? मेन महत्व का उद्देश्य ये है कि महानगर पालिका के जो चल अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 354 धारा लागू, जो जूनी इमारत, जो पुरानी जो इमारतें हैं 30 साल के ऊपर की, उसको किस तरह से जबरदस्ती रीडेवलप करना है। यानी एक बिल्डर जब उनको मिलता है, लैंडलॉर्ड को एक बिल्डर मिलता है, तो वो 354 धारा किस प्रकार से लागू करते हैं, उसकी शुरुआत 353B से होती है, जो MCGM एक्ट की है। स्ट्रक्चर ऑडिट करो, स्ट्रक्चर ऑडिट वो लोग करके लाते हैं, और वो स्ट्रक्चर ऑडिट का रिपोर्ट रहवासियों को देते नहीं हैं, और पीठ पीछे रहवासियों के वो 354 धारा लगवा देते हैं। तो ऐसे अधिकारी को यानी कितना क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको किस तरह की सजा होनी चाहिए, जब तक हाईकोर्ट गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा है कोई अधिकारी 354 धारा एक बिल्डिंग पे लागू करने के लिए, तो अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो एक फैमिली नहीं, एक आदमी का खून नहीं कर रहा है, वो कई सारे फैमिलीज को बर्बाद कर रहा है, रोड पे ला रहा है एक बिल्डर की, एक चंद रुपयों के लिए, चंद रिश्वत के लिए। जरा खुलकर बताइए क्या क्या नाम है उस बिल्डर का और क्या मामले हैं उसके बारे में, सही सर में बात। ये जावी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एक फॉर्म है, जो हिंडवर्ड बिल्डर ने सूरत से, जो हमारे लैंडलॉर्ड ने उसके साथ रीडेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है। आज मुंबई में कई प्रतिष्ठित डेवलपर्स हैं, कई प्रतिष्ठित बिल्डर्स हैं, वो आगे नहीं आए ये 3.25 एकड़ का लैंड डेवलप करने के लिए, जबकि हमारे लैंडलॉर्ड को सूरत से इंपोर्ट करना पड़ा एक बिल्डर, जिसका ये मुंबई में पहला प्रोजेक्ट है, उसको कोई अनुभव नहीं है मुंबई का, कोई कायदे कानून का, मुंबई में क्या लॉ है, MRTP एक्ट क्या है, किस तरह के DC रूल्स है मुंबई के, उसको कोई अनुभव नहीं है, फिर भी एक लैंडलॉर्ड ने हमारे उसको लाना पड़ा। और वो लैंडलॉर्ड भी है कि नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड लैंड था, 1975 से केस चल रही है इस जगह के ऊपर, आपस में जो लैंडलॉर्ड मर गया था उसके रिश्तेदार कोई दूर के या नज़दीक के, वो सब रिश्तेदार आपस में लड़ झगड़ रहे थे 1975 से। कोर्ट रिसीवर अपॉइंट था इस बिल्डिंग पे, यानी ये इसका मेंटेन करने के लिए पूरा कोर्ट रिसीवर, हाईकोर्ट बॉम्बे का कोर्ट रिसीवर मैनेज कर रहा था इस प्रॉपर्टी को, और उसके तहत वो कोर्ट रिसीवर डिस्चार्ज हुआ 2013-14 में, जबकि उनको ये बिल्डर लाए, और इनके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड, सात बारह कार्ड उतारा, सब ये डेवलपर ने चढ़ाया है, क्योंकि उसकी पहचान, जान पहचान काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के साथ है, तो वही ये कर सकता था। मुंबई का कोई डेवलपर ऐसा गलत काम नहीं करेगा, बिल्डर आज रुस्तम जी हो या ऐसे बड़े बड़े नामचीन बिल्डर थे जो नहीं कर सकते थे, वो कर दिया उसने। मुंबई में कौन सी हमारी मथुरादास कॉलोनी, कालीना फार्मेसी कॉलेज, अगर आपको पता है कालीना, सांता विजिस्ट बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बहुत बगल में ही, BMC की काफी लेटर्स 2016 से काफी कंप्लेंट्स BMC कमिश्नर देवेंद्र फडणवीस जी को, इवन पुलिस कंप्लेंट्स, काफी कमिश्नर्स को कंप्लेंट किए, तो भी कुछ नहीं हुआ। कोर्ट में गए इसके बारे में, कोर्ट में गए ना हम लोग 2017 से, 354 धारा हमने चैलेंज किए 2017 में, तब से लेके आज तक हम लोग कोर्ट में, कोर्ट से प्रोटेक्टेड है हमारा प्रॉपर्टी, आपको न्याय मिलता नहीं है। हम न्याय यही चाहते हैं कि हम इस इमारत में रहते हैं 50 साल से, हम लोग रहते हैं, आप देखिए बुजुर्ग लोग हैं, कई लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, 50 साल से रहते हैं, हम बिल्डिंग रिपेयर करना चाहते हैं, जो हमारा हक है। आज हम पगड़ी सिस्टम में रहते हैं, लेकिन हम खुद हमारे पैसे से रिपेयर करना चाहते हैं, हमको रिपेयर करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुंबई में हाई कोर्ट, CST टर्मिनल, सब जूनी इमारतें जितने लोड बेरिंग है सब रिपेयरिंग होती है, तो हम क्यों नहीं करें, हमारी बिल्डिंग लोड बेरिंग है, ग्राउंड प्लस वन और ग्राउंड प्लस टू मजला इमारत है। BMC HE हमने RTI में एप्लीकेशन निकाले, BMC HE RCC बिल्डिंग है, उसका RCC स्ट्रक्चर है, आज भी आप देखेंगे रिपेयर हो रहा है, जबकि हजारों लोग उस HE वार्ड में, जिस HE वार्ड ने हमको 354 धारा लागू की, जिस अधिकारी ने, वो खुद उनकी खुद की बिल्डिंग आज रिपेयर हो रही है, जबकि उनकी बिल्डिंग हमारे से बुरी तरह C2B है, उसका रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट आपकी C2A है, ये अलाउ कौन नहीं कर रहा है, BMC और BMC का अधिकारी, ये जो इंजीनियर्स है, ये लोग बिल्डर के साथ मिले जुले हुए, BMC को ये नहीं लग रहा कि उसको रिपेयर करने की जरूरत है, नहीं दे रहे, वो लोग खुद का बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं, हमारा बिल्डिंग, हमारा स्ट्रक्चर ऑडिट। उल्टा कोर्ट ने हमारे से एफिडेविट लिया है कि आप जो यहाँ पर रहते हो वो आप अपनी जवाबदारी करके हमको राइटिंग में लिख के एफिडेविट में दो, जो कि कोर्ट को उस समय हमारे साथ होना चाहिए, हमारे साथ नहीं है, कोर्ट BMC और बिल्डर के साथ में है, कहेंगे जो आदमी एग्रीमेंट में नहीं गए ना, ये उनके साथ मारपीट का तरीका, मतलब
ताकि लोगों में डर का माहौल पैदा हो और एग्रीमेंट साइन कर दे रहे हैं। या तो घर बेच के चला जावे, एक रुपए का घर है, पगड़ी के सिस्टम में 25-30 टका तो बोलते हैं नेम ट्रांसफर का होता है, 50 टका देता है, 50 टका। सोसाइटी में कितने परिवार और कितने लोग? 236 फैमिली हो रहे हैं। आपकी मांग क्या है? लोग बाहर गए हैं, मांग क्या, डिमांड, आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड क्या है कि हमारी बिल्डिंग्स कितने साल में वो बनाएगा? एक हमको लिखित स्वरूप से चाहिए, हमारी बिल्डिंग्स कितने साल में बनाएगा, हमको रेंट का बैंक गारंटी चाहिए, हमको हमारी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे बैंक गारंटी चाहिए। कुछ नहीं दे रहे, ना प्लान दिखा रहे, ना आईओडी ले रहे, ना आईओडी है, मांग रहे ताकि वो कल को हमारा प्रॉपर्टी जो हमारा हक है, हमारा हक है, नैतिक हक है। आज तक बिल्डर ने एक बिल्डिंग नहीं बनाई है।